जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में श्री राम को बसा लो। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जय सिया राम, जय जय हनुमान जी की। स्वागत है आपका मेरे चैनल वी एस इंडिया फिटनेस पर। सो मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे कमबैक कर रहा हूँ, और ऐसे ही कमबैक नहीं कर रहा हूँ, दो बड़ी गुड न्यूज़ के साथ मैं कमबैक कर रहा हूँ। और क्या है वो गुड न्यूज़, आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो पहली गुड न्यूज़ ये है मित्रों कि हमारा जो YouTube चैनल है वी एस इंडिया फिटनेस, वो मोनेटाइज हो चुका है, और जो रिक्वायरमेंट थी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम की, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस ये है कि अब YouTube चैनल को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है, उसके आगे की प्रोसेस वो मेल करेंगे। उसके बाद में जब बैंक अकाउंट से YouTube चैनल कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसके बाद में साइड इनकम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो मंथली जितने भी व्यूज़ आएंगे वो सारे वीडियोस के इकट्ठा होकर उन लोग मंथली जैसे सैलरी बेसिस पे जो अकाउंट में लोग ट्रांसफ़र करते, तो उस हिसाब से मंथली अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया कि साइड इनकम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि करंटली अभी हमने एक नया तगड़ा रिकॉर्ड, हमने नेशनल रिकॉर्ड हमने बनाया पुशअप्स में, जिसमें हमने 93 पुशअप्स किए 30 सेकंड्स में। सो उसी का ही ये कुरियर आया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये कुरियर उसी का ही आया हुआ है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जानेंगे इसके अंदर कि क्या क्या सर्टिफिकेट के अलावा चीज़ें मिली है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको जो न्यूज़ आई है नेशनल चैनल पे, वो एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो वो देखने के बाद में फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। जिनका जन्म 10 जनवरी 1983 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, उन्होंने 30 सेकंड में 93 डिक्लाइन पुशअप किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 अक्टूबर 2022 को की गई थी। तो चलिए गाइस, करते हैं अनबॉक्सिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 93 पुशअप इन 30 सेकंड्स। तो देखते हैं क्या क्या अपने को मिला है इसके अंदर। तो पहले तो बैठते हैं शांति से बैठ कर इसको खोलना पड़ेगा। आजा बड़ा। सो कैसे खोलने का इसको, इसकी पैकिंग, इतनी सारी पैकिंग है। यहाँ से इसको खोलते हैं, ये सेलेक्ट टैप। चल भैया जल्दी फटाफट। ये सेंटर से इसको जा। तो ये तो खुल गया डायरेक्ट, जरूरत नहीं है इतना, ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, है ना, पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बढ़िया। सो ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का बॉक्स, देख सकते हैं आप, क्लोजर दिखा रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो मेडल दिया हुआ है इन्होंने, ये आप देख सकते हो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मेडल है, बहुत बढ़िया मेडल है। इसमें फ्लैग वाली रिबिन एंड लोगो। तो सोसाइड में रखते हैं। ये क्या है, ये जो है, आप कोई इवेंट में अगर जा रहे हो ब्लेज़र पहने हो, या स्पोर्ट्स इवेंट में आप जा रहे हो तो जैकेट के ऊपर आप लगा सकते हो बैच। दूसरा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक है। थोड़ा सा पीछे से कैमरा ले, तो थोड़ा मेरे को फोकस करो। हाँ, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 की बुक है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। इसमें सारे जो है सबके रिकॉर्ड्स इसमें मेंशन किए हुए, किसने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो एक मिनट, ये देखा था मैक्सिमम, बढ़िया है।
बाद में इसको आराम से देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड किधर है, इसमें सब चेक करेंगे। अब दूसरा, अरे वाह, ये देखो ये आईडी कार्ड भी है। मैक्सिमम डिक्लाइन पुशअप इन 30 सेकेंड बाय इंडिवल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 का आईडी कार्ड। देखो आप, बढ़िया, ये आईडी कार्ड है। और ये है कार स्टिकर है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का कार स्टिकर है। कार तो अभी है नहीं, अभी तो क्या है, अभी एक्टिवा है, वो भी बहुत पुरानी एक्टिवा है, खटर 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 चल रही है। कार अभी आएगी, 6-7 महीने में प्लानिंग है लेने का, तो जब आएगी तब उसके पीछे फिर लगाएंगे फिर इसको, ठीक है। अभी तो खटर खटर चला रहे, बहुत अच्छे से चल रही है। और दूसरा क्या है, पेन, वाह पेन भी बहुत बढ़िया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। देखो इसमें लोगो लगा हुआ है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्लोजर दिस, बहुत बढ़िया पेन है। ये सब जादू मंत्र वाली सब चीज़ें देते हैं इन लोग यार, खोलने में तकलीफ होती है। इसको इसको आराम से देखेंगे इसको घर पे जाकर। और ये कुछ नहीं, पेपर से ये। अब मेन जो चीज़ है सर्टिफिकेट से, थोड़ा पीछे जा कैमरा, पीछे ले थोड़ा कैमरा, सर्टिफिकेट से। हाँ जी, बढ़िया। देखो इसको निकालते नहीं है बाहर, इसके अंदर फिक्स ही है, बाद में इसको निकालेंगे। सो ये देखो, ये सर्टिफिकेट फाइनली हमारा, इसमें लिखा है मैक्सिमम डिक्लाइन पुशअप्स इन 30 सेकेंड्स बाय इंडिविजुअल द रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्लाइन पुशअप्स इन 30 सेकेंड वॉज सेट बाय विजय पांडुरंग शिंदे, बॉर्न ऑन January 10, 1983 ऑफ अहमदाबाद गुजरात। ही परफॉर्म 93 डिक्लाइन पुशअप्स, क्लोजअप कर तो इधर, क्लोजअप कर और क्लोजअप कर। परफॉर्म 93 डिक्लाइन पुशअप्स इन 30 सेकेंड एज कन्फर्म ऑन October 20, 2022। बहुत बढ़िया। सो ये सारी चीज़ें हमको मिली है, एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के साथ में पेन, पेन जादू मंत्र वाला है। आराम से बैठ कर देखना पड़ेगा खुलता कैसे है और लिखता कैसे है, लिखेंगे बड़ी बड़ी कुछ शायरियाँ। और ये कार स्टिकर है जो कार लेने वाले हैं, अभी तो एक्टिवा चल रही टुक 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 टुक, और 6 महीने बाद कार लेंगे तब उसको पीछे लगाएंगे, फिलहाल अभी एक्टिवा टुक 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 चला रहे हैं वो चलाएंगे। और ये आईडी कार्ड है, इसको वॉलेट में रखेंगे हम, ताकि मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया तो वापस घर पे आ सकता है। और ये बुक है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ है, इतने सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाए, एक दिन ये सारे लोगों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो। और ये बैच है, बैच ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट में कोई ब्लेजर पहन के जाना है तब आप लगा सकते हो, या तो फिर आप जैकेट पहन, स्पोर्ट्स जैकेट पहने हो तो जिसमें आप लगा सकते हो इस तरह से, या फिर ये यहाँ पे लग रहा है ये। सो और ये मेडल, ये मेडल इन लोग यार गोल्ड वाला क्यों देते नहीं है यार, वो ओलंपिक में भी सब ऐसे ही वो मेडल होते हैं सब, गोल्ड वाला मिले तो यार कम से कम कभी कुछ पैसे वैसे की तंगी चल रही है तो बेच सकते हैं ना अपने, बेच कर भाई थोड़ा घर का चला सकते हैं थोड़ा। तो अभी मेल करूँगा कि भाई गोल्ड वाला मेडल भेजा करो यार, ये सब चीज़ें झमेले सब मत भेजा करो, खाली एक गोल्ड मेडल भेजो और सर्टिफिकेट भेजो, बाकी ये सब झमेले मत भेजो। ये सब ऐसे ही पड़े रहते घर में अलमारी में, क्या काम है इन लोग का। तो ये था मित्रों, देखो अनबॉक्सिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो हमने रिकॉर्ड बनाया था 93 पुशअप्स इन 30 सेकेंड्स, और इतने तगड़े लेवल पे रिकॉर्ड है ये। ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए लोगों को बहुत ही तकलीफ होने वाली है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो एवरेज आप निकालोगे ना तो आप देखो एक एवरेज 1 सेकेंड में 3 पुशअप्स तो कंप्लीट करना ही मतलब 1 सेकेंड में 3 पुशअप्स तो मिनिमम उनको मारना ही, कंपलसरी मारना ही पड़ेगा, तब जाके वो 10 सेकेंड में 30 पुशअप्स होंगे, 20 सेकेंड में 60 होंगे, 30 सेकेंड में 90 होंगे। अगर 1 सेकेंड में 3 पुशअप भी मारेंगे तो भी 30 सेकेंड में 90 तक पहुंचेंगे, और रिकॉर्ड है 93 का तो 94 उनको करना है। तो यानी कि अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 28 सेकेंड तक उनको पर सेकेंड 3 पुशअप्स मारना है, और लास्ट के 2 सेकेंड में पर सेकेंड 5 पुशअप्स मारना पड़ेगा, तब जाके ये भैया रिकॉर्ड टूटेगा। अब यार मतलब बहुत मुश्किल टारगेट दिया है ये, अब देखते हैं कि यार, और जो भी पुशअप लवर है
उनको मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट कहूँगा, और जितना जल्दी हो सके इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें ताकि मुझे एक नया गोल मिले तोड़ने के लिए। तो सारे पुशअप्स लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस दूंगा कि जल्द से जल्द मेरा यह रिकॉर्ड टूट जाए ताकि एक नया टारगेट मुझे मिले रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। सोच रहा था कुछ और बोलने का, लेकिन फिजाना भी छोड़ दो, नहीं बोलना है, सिंपली बोल देते हैं। सो फाइनली दो गुड न्यूज़ थी, एक यूट्यूब चैनल हमारी हो गई है मोनेटाइज, और बैंक अकाउंट से अभी कनेक्ट करना है, उनकी प्रोसेस अभी 2-3 दिन में हो जाएगी, और दूसरा ये नया रिकॉर्ड हमारा 30 सेकेंड का डिक्लाइन पुशअप्स का हुआ है 93 का। सो दीजिए इजाज़त और मिलते हैं अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ, और अब भी 15-20 दिन के बाद मैं कंटिन्यूसली अभी फिटनेस के कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोस में बनाते रहूँगा। सो अभी ये चैनल अभी मोनेटाइज हो गया है, तो अभी पैसे तो भाई साइड इनकम से अभी कमानी है, तो बेटे कभी ट्रेनिंग में कभी कैंसिल हो गई, तो कम से कम एक तो फिक्स हो गया है कि हाँ चलो अभी यूट्यूब से हमारा हर मंथली 20-25 हज़ार का एक इनकम हमारी फिक्स हो गई है, तो इसके लिए वीडियो तो बनाने पड़ेंगे अभी यूट्यूब के लिए। सो ये आप लोगों का ही प्यार है, जो 6 महीने तक मैंने कोई फिटनेस वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाले नहीं थे, फिर भी चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा था, सब्सक्राइबर एवरी डे सब्सक्राइबर उसमें इंक्रीज़ हो रहे थे, वॉच टाइम आवर्स भी एवरी इंक्रीज़ हो रहे थे, तो ये हनुमान जी की कृपा है और आप लोगों का भी प्यार है, और ऐसे ही प्यार आप देते रहिए, और मिलते हैं अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ में। जय सियाराम, जय जय हनुमान जी की।